कच्ची दाढ़ी निकला चोर, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। क्षमा कर दीजिए महाराज, पंडित रामकृष्ण ने सत्य कहा। हम लोगों को उन्होंने महाराज बाला कुमार के कार्यकाल के समय विजयनगर से निष्कासित करवाया था। उसी का प्रतिशोध लेने हेतु हमने स्वांग रचा, जिससे हम एक तीर से दो शिकार कर सके। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हम केवल पंडित रामकृष्ण को सबक सिखाना चाहते थे। अतः हमने देवी का रूप धारण किया और उन्हें स्वर्ग आने का संदेश दिया, जिससे उनकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाए। और आस्था के नाम पर हम लोगों को लूट कर सदैव के लिए विलुप्त हो जाने वाले थे। इसे हमें मूर्ख बनाया? अभी रुकिए, इसकी नाम मैं चोटी खींच के आती हूँ। चोटी महारानी, शांत हो जाइए, शांत। पंडित रामकृष्ण महाराज, आपको इन दोनों पर संदेह कैसे हुआ? महाराज, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन दोनों ने पूर्व में भी देवी माँ के आस्था के नाम पर लोगों को लूटा है। फिर जब देवी माँ के दर्शन देने वाली बात सुनी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, और देवी माँ हर बार मेरे विषय में ही बात करती थी। तब मुझे इन दोनों पर संदेह हुआ। तत्पश्चात जब इन्होंने देवी माँ का रूप धरकर ये कहा कि ये मुझे स्वर्ग लोक ले जाना चाहती हैं, तब मेरा संदेह और पक्का हो गया कि ये मुझे ही निशाना बना रही हैं। इसका तो एक ही अर्थ था महाराज, कि अवश्य ही इनका मुझसे कोई बैर है। किंतु पंडित रामकृष्ण, हम सबने आपको खाई में गिरते हुए देखा था, फिर आप जीवित कैसे बच गए? हाँ पंडित रामकृष्ण, और वो खाई भी तो इतनी गहरी थी, फिर आप जीवित कैसे बच गए? और इस प्रकार मैं जीवित बच गया। ओ हो 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 हो, यहाँ भी चालाकी। महाराज कल प्रातःकाल मैं दरबार में ही उपस्थित था। दरबार खत्म हुआ और उसके पश्चात मैंने स्त्री का पीछा किया। दरबार में जिस तरह से ये मुंह छिपा के खड़ी थी, मुझे तभी संदेह हो गया था। पीछा करते करते मैं इनके निवास स्थान पर पहुंचा और वहां मैंने पाया कि ये तो वही स्त्री है जो देवी माँ बन के प्रकट होती थी। इनकी सच्चाई मुझे तो ज्ञात हो गई थी महाराज, किंतु मैं चाहता था कि इनका सत्य सबके समक्ष उजागर हो। मैं ये भी जानता था कि ये दोनों पति पत्नी अत्यंत ही लोभी हैं, अतः मैंने विचार किया कि सथे साथे समाचरेत, अर्थात जो जैसा है उसके साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए। सत्य वचन। इसलिए मैंने इन लोभियों को लोभ के द्वारा ही फंसाने का निश्चय किया। मैं स्वयं का भूत बन के प्रकट हुआ और ये संदेश फैला दिया कि देवी माँ मंदिर में सबको दर्शन देने वाली हैं और सभी को उनके चरणों में स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करनी होंगी। मुझे इनके लोभ पर विश्वास था महाराज, मैं जानता था कि ये दोनों लोभी वहां अवश्य आएंगे, और ऐसा ही हुआ। और फिर इनका सत्य ज्ञात करने के लिए मैं पड़ोस के गांव तम्बपल्ली गया। वहां पर बाघ के प्रशिक्षक से मिला, जिसकी सहायता से इन्होंने माता के दूत वाला खेल खेला था। इनको इनके ही जाल में फंसाने हेतु मैं उस प्रशिक्षक को उसी बाघ के साथ यहाँ लेकर आया, और अब इनका भेद आप सबके सामने है। वाह, बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण। विजयनगर की प्रजा में अंधविश्वास फैलाने, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, पंडित रामकृष्ण की हत्या का षड्यंत्र रचने और विजयनगर की प्रजा को ठगने के आरोप में इन दोनों पर अभियोग चलाया जाए। सैनिकों,
ले जाओ इन दोनों को और डाल दो बंदी गृह में। तो मित्रों अब समय हो गया है आज की पहेली पूछने का। आज की पहेली है, पानी से निकला दरख्त एक पत नहीं पर डाल अनेक, एक दरख्त की ठंडी छाया पर नीचे कोई बैठ ना पाया। सोचिए सोचिए, इसका उत्तर मैं आपको धारावाहिक के अंत में दूंगा, तब तक आप लोग अपनी बुद्धि लगाइए और इस पहेली का उत्तर सुलझाइए। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। पंडित रामकृष्ण महाराज, विजयनगर राज्य अत्यंत तो सौभाग्यशाली है कि आप जैसा बुद्धि शिरोमणि सकुशल हमारे बीच पुनः लौट आया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक विजयनगर राज्य पर आप जैसा बुद्धि का सूर्य चमकता रहेगा, तब तक विजयनगर राज्य और उसकी प्रजा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। धन्यवाद महाराज। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। भले आप हमारी कितनी भी टांग खींच लें, भले आप हमारा कितना भी उपहास उड़ा लें, भले आपके और हमारे मध्य कितने भी मतभेद हों, किंतु हम शिवजी की सौगंध खाकर कहते हैं, हमने ये कभी नहीं चाहा कि आपकी मृत्यु हो। आपके चले जाने से हमारा मन उदास हो गया था, हमारे नेत्र अश्रु से भीग गए थे। नहीं नहीं गुरुवर, मुझे ज्ञात है आपके हृदय में मेरे प्रति बहुत प्रेम है, पर आप चिंतित ना हो, मैं इतनी आसानी से आपका पीछा थोड़ी ना छोड़ने वाला हूँ। यदि मैं चला गया तो आपकी टांग कौन खींचेगा, आपके बोल कौन खोलेगा, आपके घोटालों के विषय में कौन बोलेगा। अरे बस 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 बस, आप तो बोलते चले जा रहे। अरे हमने उंगली पकड़ाई, हमारे सिर पर चढ़कर तबला बजाने लगे। महाराज ने आपको विशेष मंत्रणा के लिए बुलाया है। हाँ चलिए। गुरुवर आपको नहीं, पंडित रामकृष्ण जी को। मुझे बुलाया है गुरुवर, महाराज ने विशेष मंत्रणा के लिए, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। अवश्य हम आपकी मृत्यु तो नहीं देखना चाहते थे, किंतु हम आपको महाराज के इतने निकट भी नहीं देखना चाहते हैं। जब आप नहीं थे तो महाराज हमसे सलाह ले रहे थे, अब आपके आते ही महाराज हमें भूल गए, आपको अपने पास बुला लिया। कोई बात नहीं पंडित रामा कृष्णा, अब से हमारे जीवन का एकमात्र यही उद्देश्य है कैसे आपको महाराज से दूर कर सके, उसके लिए आपका विजयनगर से निष्कासन आवश्यक है। ठीक है, आपको विजयनगर से निष्कासित करवाने हेतु हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। देखिए हमें मटके वाली देवी माँ के दर्शन करने अकेले जाना है, कृपया कर आप हमारा ध्यान मत भटकाइए। आप लोग यहाँ से राजमहल वापस लौट जाइए। जाइए।
ईश्वर ये देवी माँ ये क्या इस मार्ग पे तो सर्प है हमें कोई और मार्ग लेना होगा अन्य तो हमारे मटके गिर गए और टूट गए तो हमारी मन्नत पूरी नहीं हो पाएगी हाँ हम दूसरा मार्ग लेते हे ईश्वर अपनी पलकी क्यों चपका रहे वेंगड़ू आपको बताना चाहता है कि वेंगड़ू के नेत्र अत्यंत आकर्षक हैं और इन नेत्रों का आकर्षण आपके नेत्रों के नहीं आपके विषय में पूछ रहे हैं कौन है आप वेंगड़ू आपको बताना चाहता है कि वेंगड़ू का नाम वेंगड़ू है वेंगड़ू स्वामी पूरा नाम और वेंगड़ू आपको बताना चाहता है कि वेंगड़ू के नेत्र अत्यंत आकर्षक और इन नेत्रों का आकर्षण ऐसा ही है यहाँ हम सर्प के भय से पसीनों में भीगे जा रहे हैं और आप है कि अपने नेत्रों के बारे में पुनः बता रहे हैं वेंगड़ू की ओर से ये पंखा ग्रहण कीजिए इसकी शीतल पवन के झोंके आप पर पसीना नहीं आने देंगे परंतु इतने छोटे पंखे से ये आपने कैसे किया वेंगड़ू एक जादूगर है और वो ऐसे छोटे मोटे जादू करता रहता है अब देखिए वेंगड़ू इन सर्पों को कैसे भगाता है हम आपका जितना आभार व्यक्त करें उतना ही कम है आपने मात्र हमारे प्राणों की ही नहीं अभी तो हमारी मन्नत की भी रक्षा की है अन्यथा हम इन सर्पों के भय से भागते और हमारे मटके सर से गिरकर टूट जाते फिर हमारी मन्नत पूर्ण नहीं हो पाती परंतु आपने हमें अपना नाम बताया आप जादूगर हैं ये बताया किंतु ये नहीं बताया कि आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं वेंगड़ू आपको बताना चाहता है कि वेंगड़ू चिरुपुली से आ रहा है और विजयनगर की ओर जा रहा है किंतु जब आपको संकट में देखा तो वेंगड़ू आपकी सहायता करने के लिए पहुंच गया क्या आपको ज्ञात है कि हम कौन है नहीं किंतु वेंगड़ू के लिए यह आवश्यक नहीं कि वेंगड़ू जिसकी सहायता करे उससे वह परिचित हो आइए वेंगड़ू आपको मंदिर तक पहुंचा दे उचित है धन्यवाद ईश्वर सर धन्यवाद
वेंगड़ू स्वामी जी, क्या आपको सर्पों से भय नहीं लगता? भय कैसा, वेंगड़ू को तो प्रेम है सर्पों से। अत्यंत भोले जीव होते हैं सर। आइए हम आपको सुरक्षित मंदिर तक पहुंचा दें। क्या तब तो महाराज, बड़ी महारानी को ढूंढवाने के लिए हमें सैनिकों को तुरंत भेजना चाहिए। अरे पंडित रामकृष्ण, अब आप महाराज को सिखाएंगे कि महाराज को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरुवर, सैनिकों के स्थान पर आप स्वयं क्यों नहीं चले जाते बड़ी महारानी को ढूंढने? देख रहे हैं महाराज, देख रहे हैं महाराज इन्हें, या बड़ी महारानी का पता नहीं चल रहा है कहाँ चली गई है और इन्हें ठिठोली सूझ रही है। शांत हो जाइए आप। हमारे सैनिक चारों ओर महारानी को खोज रहे हैं परंतु उनका कहीं पता नहीं चल रहा। हम अत्यंत चिंतित। क्षमा कीजिए महाराज, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। आपको तो ज्ञात है कि वो काले वन के मार्ग में अनेकों विषधर सर्प हैं, हिंसक पशु हैं, फिर भी आपने महारानी को अकेले जाने दिया। वह ऐसे समय में इस प्रकार के प्रश्न महाराज से नहीं पूछने चाहिए। अरे आप चुप रहिए पंडित रामकृष्ण, यहाँ बड़ी महारानी का पता नहीं चल रहा। गुरुवर, दास दासियां और सैनिक भेजे थे हमने महारानी के पीछे, परंतु उन्होंने सबको वापस भेज दिया क्योंकि जिन मटका देवी के मंदिर में महारानी अपनी मन्नत पूरी करने हेतु गई थी, ऐसी मान्यता है कि वहां व्यक्ति को अकेले ही जाना होता है, वो भी घड़े सर पर रखकर। हमने महारानी को समझाने का भरसक प्रयास किया कि काले वन में ढेरों हिंसक जीव जंतु हैं, परंतु उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अब हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमारी महारानी चिन्ह सकुशल वापस लौट आए। सच, कहाँ है महारानी? महारानी चिन्ना देवी की जय हो। गुरुवर, 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारे कहने का तात्पर्य है अभी मिली नहीं है, शीघ्र मिल जाएंगी। हमने उनके आने का संकल्प लेकर शिव जी से प्रार्थना की है। और स्वयं अपने हाथों से ये विशेष लड्डू बनाकर प्रसाद चढ़ाया है। यदि आप सब लोग ये लड्डू एक साथ खाएंगे तो महारानी चिन्ना देवी शीघ्र वापस आ जाएंगी। लीजिए महाराज, लड्डू ग्रहण कीजिए। महारानी, ये किस प्रकार का अंधविश्वास है? ये अंधविश्वास नहीं है महाराज, ये हमारा विश्वास है। हमने मन्नत मांगी थी कि यदि आप सब लोग एक साथ इन लड्डू को ग्रहण करेंगे तो महारानी चिन्ना देवी शीघ्र वापस आ जाएंगी। ग्रहण कीजिए महाराज। लीजिए गुरुवर। पहले पंडित रामकृष्ण। लीजिए पंडित रामकृष्ण। नहीं नहीं नहीं, गुरुवर को पहले। नहीं नहीं, पहले पंडित रामकृष्ण। गुरुवर बड़े हैं, पहले गुरुवर को। पंडित रामकृष्ण छोटे हैं, पहले पंडित रामकृष्ण। छोटे महारानी, गुरुवर पहले। नहीं, पंडित रामकृष्ण। गुरुवर ले। गुरुवर जी, लीजिए ग्रहण कीजिए। लीजिए लीजिए पंडित रामकृष्ण, आप भी ग्रहण कीजिए। हरे रंग का लड्डू है, पूछी तो सही किससे बनाया है। छोटी महारानी, ये लड्डू किसके हैं? देसी घी के? नहीं, देसी नीम के। गुरुवर अब ग्रहण कीजिए, सब लोग एक साथ ग्रहण कीजिए। महाराज, अब कहती है तो खा लीजिए ना। कीजिए, ग्रहण कीजिए।